फोन पर घंटी बजी, सामने से आवाज आई, क्या आप देवांश के पिता मुकुंद सकोरीकर बोल रहे हैं? इधर से जैसे ही उन्होंने यह कंफर्म किया तो बताया कि वह गोपालगंज थाना प्रभारी बोल रहे हैं। उनके बेटे को रेप केस में थाने लाया गया है, मारपीट की है, मुंह से खून निकल रहा है। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो तत्काल फोन पर 1,00,000 रुपए भेजें। और फोन कट गया। बंडा तहसील के जानी माने लंबरदार परिवार के लाडले युवा उद्योगपति भैया दुष्यंत सिंह बिट्टू लंबरदार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप पर श्री खजाने वाले बब्बा जू का आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे। सौजन्य से ब्रिजराज ग्रुप एंड महामाया मिनरल्स। माँ शारदा एंटरप्राइजेज लेके आया है फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग, मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट। इसके बाद मुकुंद ने अपने बेटे देवांश के नंबर पर फोन लगाया तो फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद पिता की धड़कनें बढ़ने लगी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से संपर्क साधा, जिसके बाद वहां खलबली मच गई। तत्काल ही देवांश का पता लगाया गया तो वह क्लास में बैठा पढ़ाई करते मिल गया। पिता से बात करवाई, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। नंबर देखा तो वह पाकिस्तान का निकला। दरअसल सागर जिले के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में देवास जिले के देवांश साकोरीकर MBBS 2023 के छात्र हैं, जिनके पिता के लिए पाकिस्तान से यह फोन आया था और उन्हें ठगने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी सतर्कता और सूझबूझ के चलते वह फ्रॉड का शिकार होने से बच गए। हम और हमारा चैनल आपसे अपील करता है कि आपके पास भी अगर इस तरह से कोई फोन आता है तो सूझबूझ से काम लें और फ्रॉड होने से बचें। मेडिकल कॉलेज के मीडिया प्रभारी डॉक्टर उमेश पटेल ने इस संबंध में जानकारी दी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आज एक घटना घटी है। हमारे MBBS के छात्र हैं 2023 बैच के देवांश, इनके पिताजी को एक फोन गया और उसमें बताया गया कि मैं गोपालगंज थाने से थाना प्रभारी बोल रहा हूं और आपके बेटे को एक रेप केस में कुछ लड़कों के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी है, उसके मुंह से खून आ रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा है। तो उनके पिताजी घबरा गए, उन्होंने कहा कि कृपया कर मेरे बेटे से बात करा दें। तो बात भी करा दी और सामने से बोला गया कि कृपया कर पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। और उसके बाद संबंधित जो उक्त व्यक्ति था उसने कहा कि आप चाहते हैं अगर आपके बेटे पर मैं पुलिस कार्रवाई ना करूं, उसकी खबर मीडिया में ना दूं, उसका भविष्य खराब ना करूं, तो आप तत्काल फोन पे पर 1,00,000 रुपए की राशि भेज दीजिएगा। इसके बाद फ़ोन काट दिया। उनके पिताजी को संशय हुआ, चूँकि पैसे की मांग की गई थी, उन्होंने अपने बेटे को तुरंत फ़ोन लगाया, देवांश ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उनको थोड़ा संशय तो हुआ। उन्होंने फिर प्रबंधन से संपर्क किया, मुझ तक बात पहुंची, मैंने विभाग अध्यक्ष एनाटॉमी महोदय से निवेदन किया, उनसे जानकारी चाही, तो पता चला कि देवांश तो निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर रहा है, क्लास में है, इसलिए शायद फ़ोन नहीं उठा रहा था। बाद में इनकी देवांश की उनके पिताजी से बात कराई गई। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि यह एक पाकिस्तान से आया हुआ फ्रॉड खोलता। आप सभी से निवेदन है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, AI का भी यूज हो रहा है, इसमें किसी की भी आवाज़ कॉपी करके किसी से भी इस प्रकार की बात करके पैसों की मांग की जा सकती है। तो आप सभी से निवेदन है, जब भी आपको इस प्रकार का कोई कॉल आए तो संयम बरतें, बुद्धिमत्ता से काम लें। इस घटना में भी प्रबंधन द्वारा पुलिस को उक्त नंबर की सूचना सहित पत्र लिखकर उचित कार्रवाई हेतु निवेदन किया जा रहा है। इनके देवांश के परिजनों द्वारा भी पुलिस से कार्रवाई के लिए निवेदन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। बंडा तहसील के जानी माने लंबरदार परिवार के लाडले युवा उद्योगपति भैया दुष्यंत सिंह बिट्टू लंबरदार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप पर श्री खजाने वाले बब्बा जू का आशीर्वाद हमेशा ऐसा ही बना रहे। सौजन्य से ब्रिजराज ग्रुप एंड महामाया मिनरल्स। माँ शारदा एंटरप्राइजेज लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा,
डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर साथ ही पाएं मात्र 26,000 में। आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है माँ शारदा इंटरप्राइजेज, तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396, 9691987669।